नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां वजीरगंज पुलिस ने लूटपाट की वारदात का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से तमंचा व लूटी गई रकम बरामद किया। पिछले दिनों 27 अगस्त को वजीरगंज निवासी देवेंद्र गुप्ता व उनके पुत्र नीरज से बदमाशों ने आंवला रोड के पास 70,000 की नगदी लूटी थी। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लुटेरों की तलाश में थी वजीरगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगला माता के पास लूट की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के नाम शानू, छोटे हसीब, निवासी हतरा, तीनों के पास से 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद किया है पुलिस ने। आप देख रहे हैं बदायूं से नियाजी खान की रिपोर्ट। व्यापारी से नगद रुपए और उसका लड़का दोनों साथ थे, उनसे नगद रुपए सारे छीन लिए गए थे। इस संबंध में थाना अभियोग पंजीकृत कराया गया था और कल रात में 3 अभियुक्त इस मामले में बरामद पकड़े गए। तीनों ने स्वीकार किया, उन्होंने लूट की थी। उनसे मोटरसाइकिल, तमंचे तथा लूट की धनराशि बरामद की। संवारे अपना भविष्य इंदुप्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदुप्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।